लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अप्सरा किचन और बेल के बटन दबाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा आज बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी और यमी है और इसको जल्दी बना सकते हैं आप। इस कम समय में आप फटाफट बना के आप अपना गर्मा गर्म नाश्ता कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। ये बनाना बहुत ही ईजी है और यमी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। जरूर मेरे चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू। चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं आज हमारा फ्रेंच टोस्ट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप फटाफट बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं, एक फ्राई पैन ले लेते हैं, इसको गर्म होने देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। उससे पहले हम इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हम बनाएंगे अंडे, हम लेंगे 2 अंडे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। ये मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटी है, ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही बारीक है। अब मैं आधा सा प्याज डालूंगी और ये बारीक कटी हुई टमाटर ये भी डालूंगी आधा। धनिया डाल दूंगी करीब 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच। अब इसमें डालेंगे ओरिगानो ये वाले, इससे थोड़ी फ्लेवर अच्छी आती है तो मैं ये डालूंगी थोड़ा सा। और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, चुटकी भर नमक अपने स्वाद अनुसार, अब इसमें डालेंगे दूध। ये मैंने 1 कप दूध लिया है। आप नॉर्मल मिल्क भी यूज कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका आधा यूज करूंगी क्योंकि हमें बनाना है फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, तो हमें दूध चाहिए कम से कम 1/2 कप क्योंकि हमें सोक करना है इसको अच्छे से। तो ब्रेड बहुत ज्यादा पानी सोखता है, ऐसे दूध भी सोखेगा अच्छे से। अब इसको अच्छे से एक विक्स से मिला लेंगे। ये तो मैंने मिला लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें बटर। ये बटर में ज्यादा अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को मैंने बिल्कुल ही धीमी रखी है। ये जितना बनाना इजी है खाने में उतनी ही यम्मी है। अब इसको हम डिप करेंगे अच्छे से ऐसे। अब इसको दूसरे साइड भी डिप कर लेंगे। अब इसको हल्के हाथ से उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। तो जो ऊपर थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल देंगे ऐसे करके। आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक तरफ से मैंने पलट दिया है, ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। देखिए इसको 2 से 3 मिनट हमने पकाया है इस तरफ, तो इस तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब इधर से पलट के हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जबकि ये ब्राउन ना हो जाए जब तक। इसमें ऊपर से और बटर डाल देंगे ताकि और सॉफ्ट सी हो जाए। ये गैस को हम धीमी करके ही पकाएंगे। ये बन चुके हैं हमारे टोस्ट, बन के तैयार है। एक अब इसी तरह से दूसरा भी हम बनाना तैयार कर लेते हैं। इसको हम सोख देते हैं और इसको साइड से निकाल के रखते हैं यहाँ पे। डाल देंगे ऐसे। अब इतना मसाला बच गया, अब इसके ऊपर से डाल देंगे। अब इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे, 2 से 3 मिनट हम उस तरह पकाएंगे, फिर 2 से 3 मिनट इधर। क्योंकि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पलट देते हैं। इसको हम आराम से धीरे से हाथ से इसको पलटेंगे ऐसे करके और ऐसे करके डाल देंगे। थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और इसको धीमी आंच में ही हम बनाएंगे, नहीं तो हमारा टोस्ट जल सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल तैयार है हमारा फ्रेंच टोस्ट। हम इसको उस तरफ से हम पलट देते हैं। अब इसको भी इसी के ऊपर रख देंगे हम। अब गैस को हम बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मैंने काट दिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी बनके तैयार हो गया। अब इसको नाश्ते के लिए गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और ये खाने में बहुत ही यम्मी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी।